नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल टू न्यूज। पाकिस्तान प्लेन हादसे की खबर है। मौत को मात देने वाले इन दो शख्स से मिलिए। ये हैं दो शख्स जिन्होंने मौत को मात दी है प्लेन क्रैश में। कोई बच जाए, ये एक अद्भुत घटना है। इस हादसे में बचे हैं ये दोनों। इनमें से एक हैं बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट जफर मसूद और एक हैं नौजवान इंजीनियर जुबैर अहमद। प्लेन हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में हुए प्लेन हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस भयानक हादसे से बचने में कामयाब हो सके हैं। बता दें कि प्लेन में 107 लोग मौजूद थे, जिनमें कुछ लोग ही बच सके हैं। इनमें से एक हैं बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट जफर मसूद। जान बचने के बाद वो कितने खुश थे, वे उनके चेहरे के भाव आप देखकर समझ सकते हैं। वैसे इस बात की पक्की जानकारी नहीं है कैसे बचे, लेकिन कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। अधिकतर प्लेन हादसों में देखा जाता है कि प्लेन का पिछला हिस्सा अक्सर बचता है। इसी वजह से इसी हिस्से में ब्लैक बॉक्स भी लगता है। माना जा रहा है कि ये लोग पिछले हिस्से में बैठे होंगे। उनमें से भी जिन्होंने सीट बेल्ट लगाई होगी, उनके बचने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इस हादसे में एक और नौजवान इंजीनियर हैं जिनका नाम है मोहम्मद जुबैर। उनकी भी जान बच गई है और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। विमान हवाई अड्डे के नज़दीक जिन्नावासीय सोसाइटी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कैप्टन ने हवाई यातायात टावर को सूचना दिया, मेडे की मैसेज दी। उड़ान संख्या PK 303 लाहौर से कराची आ रही थी। कराची में पाकिस्तान एयरलाइंस की हवाई दुर्घटना बहुत ही दुखद घटना है, पर प्लेन क्रैश में किसी का बचना एक दुर्लभ घटना मानी जाती है। नई अपडेट के लिए गोल टू न्यूज़ देखते रहें, सब्सक्राइब भी करें।